भारत में कई प्रदेशों के मंदिरों में कई परंपराओं का कड़े तौर पर पालन किया जाता है और इन रूढ़िवादी परंपराओं के चलते कई बार मंदिर प्रशासन चर्चा में भी बना रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ है केरल के मयिलादुथुरई जिले के एक मंदिर में। देवी की मूर्ति को साड़ी की बजाय चूड़ी परिधान पहनाने को लेकर दो पुजारियों को निलंबित कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पुजारियों ने परंपराओं के विरुद्ध कदम उठाया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुजारियों ने तमिल महीने थाई में पवित्र दिन यानी 2 फरवरी को देवी की मूर्ति को सजाया था। चूड़ीदार परिधान वाली देवी की मूर्ति की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। मंदिर प्रशासन के पदाधिकारियों का कहना है कि ये देवी का अपमान नहीं था लेकिन परंपरा के विरुद्ध था। परंपरा के अनुसार देवी की मूर्ति को साड़ी का परिधान पहनाया जाता है। भारत में देवी देवताओं के विशिष्ट परिधान निश्चित है और परंपरा के अनुसार देवी को साड़ी पहनाई जाती है। इसी कारण जब पुजारी ने साड़ी की जगह चूड़ीदार देवी को परिधान करवाया तो प्रशासन के रोष का सामना करना पड़ा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।